जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूँ आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्टिक वाली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ से 8 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से हमने वो किए थे अपने 147 क्वेश्चन। आज हम जो अगला टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टाइप का नाम हमारे का जब बारी बारी से काम किया जाए, और ये टाइप जो है हमारे इसका वर्क एंड टाइम का लास्ट टाइप है। तो देख लीजिए, जो आपका 148वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले काम शुरू करता है, ए अकेले 48 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है। देख लीजिए, यहाँ पे 58 है नई वाली किताब में, मगर ये 48 है क्योंकि 58 यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो ये कितना 48 है। कि ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप बताओगे 48 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 48 दिन में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक की क्षमता, क्या मतलब एक की क्षमता की बात की जाए, एक की क्षमता एक मान लें, कितनी मान लें, एक मान लें, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आप बताओगे, टोटल वर्क कितना होता है, तो 48 मतलब दिनों की संख्या गुणा क्षमता, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप बताओगे, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, फिर आगे सवाल ने दे रखा है, अगर वह काम 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उस काम को 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस काम के 4 गुने को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, 11 से ही 1/3 दिन, ठीक है। अब देख लीजिए, काम स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। पहले 11 दिन बना लीजिए, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन, ठीक है। पहले 11 दिन हो गए, तो यहाँ स्टार्ट किसने किया आप बताओगे, बी ने, फिर ए आ गया, फिर कौन आया, बी, फिर कौन आ गया, ए, फिर कौन आया, बी, फिर कौन आया, ए, फिर कौन आया, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और फिर कौन आया, बी। तो आप बताओगे यहाँ से ए कितनी बार आ चुका, क्योंकि हम ए क्यों, क्योंकि हमने ए की क्षमता मान ली यहाँ पे एक। तो ए देखोगे 1 2 3 4 5, अब जो टर्न पड़ा 11 तो पूरे हो गए, जो 1/3 टर्न है वो भी ए के हिस्से में आएगा। तो ए ने कितने दिन काम किया अगर बात की जाए, तो ए ने 5 दिन तो पूरे किए और 1/3 दिन और किया। टोटल दिन कितने कर लिए, तो 5 * 15 = 16/3 दिन किसने काम किया आप बताओगे, ये ए ने काम किया, ठीक है। अब ए की क्षमता कितनी है, एक है, तो ए द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ए द्वारा किया गया कार्य, ठीक, गया कार्य, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे, तो ए देख लीजिए कितने दिन काम किया आप बताओगे, 16/3 दिन, क्षमता कितनी, एक, कितना कार्य कर लिया इन्हें, तो आप बताओगे 16/3 ही कार्य इन्हें कर लिया, 16/3 कार्य इन्हें कर लिया। टोटल काम था कितना आप बताओगे, 48 मतलब 48 था, ए ने कितना कर लिया, तो आप बताओगे 16/3, तो काम बचा कितना, जो बी ने किया है, ठीक है। और बी ने क्या दिन काम किया है देखोगे आप यहां से देखोगे, तो बी के कितने दिन आ रहे हैं, तो आप बताओगे बी ने काम कितने दिन किया है, 6 दिन किया है, ठीक है। बी ने काम कितने दिन किया है, 6 दिन किया है, तो यहां से बी का काम निकालना है अगर हम, किसका, बी का काम, यहाँ से क्या, बी का काम, ठीक है, बी का काम हम अगर निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, घटा लीजिए 48 या कितने होते हैं 144, और 144 में से 16 घट गया, तो आप बताओगे कितना बचा, 128/3 ये काम बचा, ठीक है। अब बी की अगर मैं क्षमता निकालूं, बी की क्षमता, ठीक है, तो बी की क्षमता देख लीजिए क्या, बी ने कितना काम किया आप बताओगे, 128/3 काम किया, और कितने दिन में किया आप बताओगे, 6 दिन में किया, तो बी की क्षमता आएगी, 3 से काट दिया 2 बार 3 से काट दिया कितनी बार, 2 से काटा 3 बार 2 से काट दिया कितनी बार 2 6 12 और 2 4 8, यहाँ से जो क्षमता आएगी इसकी कितनी आएगी, तो आप बताओगे 64/9 आएगी। किसकी क्षमता आ गई है, बी की क्षमता। अब देख लिए उसने किया, उसने कहा है कि बी जो है टोटल काम का 4 गुना काम, तो बी कितना काम आप देख लीजिए यहां से, बी कितना काम करेगा इसका 4 गुना, तो टोटल काम कितना होगा, 48 * 4 होगा, ठीक है। और बी किस दर से जाएगा, मतलब बी की क्षमता कितनी, 64/9, तो 64 और 9 कहां पहुंच गया, ऊपर गुणा में पहुंच गया, ठीक है। 4 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे, 16 बार, 16 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे, 3 बार, और 9 * 3 कितना होता है, 27, तो बी अकेला उस कार्य का मतलब 4 गुना कार्य कितने दिन में कर लेगा आप बताओगे, 27 दिन। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 27 दिन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 149 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 149 के, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, यदि ए कार्य शुरू करता है और एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, दशमलव में बताना है, ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, कौन, ए कितने में आप बताओगे, 30 में, और बी कितने में आप बताओगे, 40 में, दोनों का एलसीएम कितना आप बताओगे, 120, टोटल वर्क आई है हमारा 120, इसकी क्षमता कितनी आप बताओगे, 30 * 120 और 4 * 3 = 12, ए की क्षमता कितनी आप बताओगे, 4, और बी की क्षमता कितनी आप बताओगे, 3 हो गई, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया आप बताओगे, 120 हो गया।
अब देख लीजिए सवाल में कौन पहले गया है, क्या ए गया है या बी गया है, किसने शुरुआत किया, तो आप बताओगे यहाँ से ए ने शुरुआत की। तो देख लीजिए ए एक दिन गया और उसने कितनी मतलब करा काम, तो आप बताओगे चार गया। अगले दिन बी गया और बी ने कितना काम किया, तीन काम किया। अब देख लीजिए टोटल ये क्या हमारे दिन और ये क्या हमारा काम, ये क्या हमारा काम। तो दो दिन कितने लग गए आप बताओगे, दो दिन, और काम कितना हो गया आप बताओगे सात काम हो गया। मतलब दो दिन में कितना काम हो गया आप बताओगे, सात काम हो चुका है दो दिन में, ठीक है। अब देख लीजिए हमें टोटल काम कितना करना है, तो आप बताओगे टोटल वर्क हमारा कितना है, 120 है। कितना करना हमें, 120। अब 120 करना हमने, अभी सात काम किया है, क्या 120 के द्वारा सात का कोई गुणज पहुंचेगा, ठीक है। तो 15 × 7 = 105, 16 × 7 = 112 और 17 × 7 = 119, ठीक है। 17 × 7 = 119, अगर मैं इसका 17 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो हम कितना काम कर लेंगे, 17 × 7 = 119 काम कर लेंगे। यहाँ 17 गुना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 17 ही गुना करेंगे। तो 17 दूनी आप बताओगे 34 दिन, 34 दिन में कितना काम कर देंगे हम, 129 काम कर देंगे 34 दिन में। अभी काम बचा कितना, तो आप बताओगे एक काम बचा। कितना काम बचा, एक काम, और उसे करने कौन जाएगा, ए की क्षमता कितनी, 1/4। तो एक इस क्षमता से जाएगा, इससे जाएगा 1/4 से, ठीक है। तो 34 दिन तो ये पूरे लगे, प्लस 1/4 दिन ये लग गए, तो टोटल दिन कितने लगे आप बताओगे, 34 से ही 1/4 दिन लग गए। कितने दिन लग गए, 34 से ही 1/4 दिन लग गए। यहाँ पर अगर पॉइंटों में निकालना, तो 34 तो पूरा था ही, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए हो गए 10, 4 × 8 बचा 2 और 4 × 5 = 20। आप बताओगे कितने दिन में, 34.25 दिन। कितने दिन, 34.25 दिन, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 150 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 150वां। ए बी सी एक कार्य को 20, 30 और 10 दिन में कर सकते हैं, ए को एक दिन के लिए काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम चलता रहता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से क्या है कि ए बी और सी, ए बी और सी कितने कितने दिन में आप बताओगे, 30, 20 और 10 दोनों तीनों का एलसीएम कितना आप बताओगे, 60, और टोटल वर्क भी यही होता, 30 × 60 = 20 × 60 और 10 × 60। ए की क्षमता कितनी आप बताओगे, 2। बी की क्षमता कितनी आप बताओगे, 3। और सी की क्षमता कितनी आप बताओगे, 6। पहले वो बी के साथ जा रहा, तो एक दिन में कितना कर देंगे, 3 × 2 = 5 कर देंगे। बाद में वो सी के साथ जा रहा, तो 2 × 6 कितना, 8 कर दिया। दो दिन में कितना कार्य कर दिया अगर मैं बूझूं आप बताओगे, 13। क्या 13 का कोई गुणा 60 के द्वारा जाएगा, आप बताओगे हाँ, 13 × 52, तो इसका भी 4 गुणा कर दीजिए। आप बताओगे कि 8 दिन में उसने कितना वर्क कर दिया, 52 कर दिया। अब नंबर किसका आया, तो ए के साथ बी का आया, एक दिन में 5 बी के खोद दें, तो एक दिन और लगा, इन्होंने 5 काम और कर दिया, टोटल दिन कितने हो गए, 8 दिन ये और एक दिन ये, आप बताओगे 9 दिन, और टोटल काम कितना हो गया आप बताओगे, 57 हो गया। अब बात की जाए शेष काम की, तो आप बताओगे कि शेष कितना बचा, यहाँ से काम जो बचा 60 था, 57 हो गया, आप बताओगे कितना बचा, 3। और अब करने की क्षमता से जाएंगे, तो 8 की क्षमता से कितना समय और ले लेंगे, 3/8 समय और ले लेंगे। 9 दिन तो पूरे थे और 3/8 दिन ये ले लिए, टोटल दिन कितने हो चुके हैं आप बताओगे, 9 से ही 3/8 टोटल दिन हो चुके हैं, किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो आपका अगला 151 नंबर का सवाल है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 151 आपका, ए बी अलग अलग किसी कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी कितने में, 9 और 12 दिन। 9 और 12 दिन दोनों का एलसीएम कितना आप बताओगे, 36, यही टोटल कार्य हो गया, 9 × 36 और 12 = 36, मतलब ए की क्षमता कितनी, 4, और बी की क्षमता कितनी आप बताओगे, 3 आ गई। फिर आगे सवाल ने बोला है यदि ए कार्य आरंभ करे और दोनों बारी बारी से करें, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए कार्य आरंभ कर गया, ए की क्षमता कितनी, एक दिन में 4 कर दिया इसने, और बी ने अगले दिन जाकर 3 कर दिया, टोटल दो दिन में कितना काम हो चुका है आप बताओगे, 7 काम हो गया। काम 36 के नजदीक में पहुंचना है, तो 7 का कोई गुणज, जी हाँ 5वां गुणज कितना होता है, तो आप बताओगे 35 होता है, तो इसका भी क्या करोगे आप 5 गुणा, तो 5 × 2 = कितना, 10 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा दोनों ने, आप बताओगे 35 काम कर दिया। शेष काम की बात की जाए, शेष काम कितना बचा, यहाँ से अगर मैं आपसे शेष काम बोल लूँ, आप बताओगे कितना बचा, एक, और आपका नंबर किसका आ चुका है, आप बताओगे एक आ चुका है, तो ए उसे कितने दिन में कर देगा, 1/4 दिन में। तो टोटल दिनों की संख्या 10 दिन तो ये लगे थे आपके, और 1/4 ये लग गए, तो टोटल दिन कितने हो गए आप बताओगे, 10 से ही 1/4 दिन हो गए। टोटल दिन कितने, 10 से ही 1/4, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देखिए जो 152 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 152 में आपका, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, कौन, ए बी और सी कितने कितने में आप बताओगे, 20, 30 और 60 दिन, 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा आप बताओगे, 60 × 20 = 60, 30 × 60 = 60, मतलब ए की क्षमता कितनी आप बताओगे, 3, और बी की क्षमता कितनी आप बताओगे, 2, और सी की क्षमता कितनी, यहां से आप बताओगे 1 है।
ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देख लीजिए, पहले दिन ए अकेला गया तो 3 खो दिया, दूसरे दिन ए अकेला गया 3 खो दिया, और तीसरे दिन क्या हुआ कि ये तीनों ही चले गए तो 3 2 5 और 1 6 खो दिया। टोटल दिन कितने लगे आप बताओगे? 3 दिन, और टोटल वर्क कितना कर लिया इन्होंने आप बताओगे? 12 कर लिया। ठीक है, 3 दिन में 12 कर लिया। वर्क करना कितना था इन्हें? 60 करना था, तो 12 की जगह कितना करना था आप बताओगे? 60। टोटल कार्य कितने गुना? 5 गुना, तो दिनों का भी क्या कर दो? 5 गुना, तो यहाँ से आप बताओगे 5 3 15 दिन। टोटल कार्य कितना? 15 दिन में ये इस तरीके से पूरा कर लेंगे। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 153 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 153 बा आपका, कि क्या और क्या अलग अलग करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से करें तो क्या काम को आरंभ करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? कौन कौन है? क्या और क्या है और 9 और 15 दिन ले रहे हैं? क्या और कौन है? क्या है और कितने दिन ले रहे हैं आप बताओगे? 9 और 15 दिन ले रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा आप बताओगे? यहाँ से 45 आएगा। कितना आएगा? 9 और 15 लिया, तो इनका एलसीएम 45 आएगा। 9 5 45 और 15 3 45 आएगा। मतलब आप बताओगे कि क्या की क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई, और खै की क्षमता जो आ चुकी है वो कितनी आ गई? 3 आ चुकी है। खै की क्षमता कितनी आ चुकी है आप बताओगे? 3 आ चुकी है। फिर उसने क्या बोला है कि क्या काम स्टार्ट करता है तो क्या एक दिन में कितनी खोद देगा? 5, और अगले दिन जब खै आएगा तो एक दिन में 3 कर देगा। टोटल 2 दिन में कितना कर देगा आप बताओगे? वो 8 कर देगा। टोटल 2 दिन में कितना कर देगा? वो 8 कर देगा। उसे करना कितना है तो 45 करना है, तो 45 के द्वारा कोई 8 का गुणज पहुंचेगा क्या? जी हाँ, लगभग 8 का 5वां गुणज कितना पहुंच जाएगा? 8 5 40, तो कै दिन में कर देंगे 40, इसका भी 5 गुणा कर दीजिए, 10 दिन में ये 40 काम कर देंगे। 10 दिन में 40 काम कर देंगे। अब नंबर किसका आया आप बताओगे? किसका आया? कै का आया। ठीक है, तो कै एक दिन में कितना और कर रहा है आप बताओगे? 5 और कर रहा। तो टोटल देख लीजिए, 11 दिन लगे, और टोटल वर्क कितना हो गया? तो 40 और 5 45 हो गया, और हमें 45 ही वर्क करना था, तो कितने दिन लग गए आप बताओगे यहाँ से? कि कितने दिन लगे हैं? 11 दिन लगे हैं, और यही हमारा आंसर है, 11 दिन। देखते हैं किस ऑप्शन में है 11 दिन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 154 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 154 बा आपका, कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। ए 20 में, बी 15 में और सी 12 में। ए 20 में, बी 15 में और सी 12 में कर सकते हैं। ठीक है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी की मदद मिले? ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्या है, कितना हो गया? 60 20 60 15 64 60 और 12 5 60। मतलब ए की क्षमता कितनी? 3। बी की क्षमता आप बताओगे? 4। और सी की क्षमता कितनी हो गई? 5। तो ए तो लगातार रहेगा। ठीक है, पहले दिन बी की सहायता मिल रही तो ए एक दिन में कितनी खोद रहा आप बताओगे? 7। अगले दिन सी की सहायता मिल रही तो अगले दिन में कितनी खोद रहा है तो आप बताओगे? 8। टोटल 2 दिन में कितना खोद दिया आप बताओगे? 8 7 15 खोद दिया। ठीक है, टोटल कितना खोद दिया? 15 खोद दिया, और करना कितना है टोटल काम कितना आप बताओगे? 60 है, तो 15 का कितना गुणा? जिस 4 गुणा 15 चौका 60। ठीक है, तो इसका भी क्या कर दो आप बताओगे? 4 गुणा, तो 4 2 8 दिन। यहाँ से कितने दिन लगा दोगे आप इस काम को करने में? 8 दिन। देखते हैं किस ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, ये जो पूरा ही चैप्टर है आपका खत्म हो चुका है। ये चैप्टर में अगर कोई भी सवाल आपका दिक्कत कर रहा हो तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस सवाल को करा दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।